सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की छठी आ गई है। बिल्कुल सही बात है, कान्हा जी की छठी आ गई है। और छठी, जैसे कि बच्चे की घर जब पैदा होता है तो उसकी छठेवें दिन उसका नामकरण होता है, इसी प्रकार ही कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। लेकिन आपको ये शायद पता हो या नहीं पता हो, कान्हा जी की छठी जो है उनके 6 दिन के बाद मनाई नहीं गई थी, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे और वहां से जब आकाश से भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि ये जो बच्चा है तुझे ये बड़ा होकर तेरे को मारेगा, तो क्या किया था कंस ने क्या किया था कि पूतना को आदेश दिया था कि जितने भी बच्चे हैं जो 6 दिन के हैं उनको जाकर मार दिया जाए। और लेकिन जो है यशोदा जी ने कृष्ण को छुपा दिया था और उनकी छठी नहीं मनाई गई थी, ना उनका नामकरण हुआ था। तो इस प्रकार से कान्हा जी की जो छठी है, यशोदा मैया ने 364 दिन के बाद सप्तमी की तिथि को छठी मनाई थी और तभी से बच्चों की ये जो है छठी मनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। तो छठी पर हम ये जो 5-6 उपाय आपको दे रहे हैं, इससे आपके जीवन में होगा चमत्कार। ये 6 उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, छठी पे आपने क्या करना है, एक तो गौ माता को 6 प्रकार की सब्जियां खरीदने खिला दीजिए। क्वांटिटी का कोई विषय नहीं है, दिल से श्रद्धा से 6 प्रकार की सब्जियां खरीदनी है और वो जाके गौ माता को खिला देनी है। तो अब है दूसरा उपाय आपने क्या करना है, काजल की डिब्बी लेनी है और उसे मंदिर लेके जाना है और अपने हाथ से काजल जो है आपने कान्हा जी को लगाना है। अगर पंडित जी आपको काजल ना लगाने दें तो आप क्या करें, वो मंदिर में डब्बी को छोड़कर आ जाएं। और इस प्रकार से आपका जो है ये दूसरा उपाय भी हो गया। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, कढ़ी चावल घर में बनाने हैं। सबसे पहले आपने कान्हा जी को भोग लगाना है, उसके बाद ब्राह्मण को अवश्य ही भोग करवाएं, हो सके तो गरीबों को भी अवश्य ही थोड़ा भोग जरूर लगवाइएगा प्रसाद का, और घर आके अपने बड़े बुजुर्गों को भी भोग लगाइएगा, फिर उसके बाद खुद उस प्रसाद का सेवन कीजिएगा। बहुत बढ़िया संजीव जी। और देखिए उसके बाद आप जो है, कान्हा जी का जन्मदिन है और बच्चों को खिलौने जरूर दीजिए। गरीब बच्चों को अगर आप खिलौने देंगे और अगर वो 6 की संख्या में खिलौने देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं तो एक खिलौना तो आज किसी भी एक गरीब बच्चे को जरूर दें, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी उससे आपके जीवन में भी मुस्कान आएगी। ये उपाय बहुत ही मजेदार है, करके जरूर देखिएगा। और अवश्य ही अगर हो सके तो कान्हा जी को भी खिलौना एक जरूर दे। बाल रूप में है ना, तो बाल रूप में एक खिलौना मंदिर में जरूर रखे रहिए। और जो है कान्हा जी के जो है, आपको पता ही है क्या कहते हैं कि कान्हा जी जो आप मतलब कान्हा जी को मोर का पंख कितना पसंद है, तो आप एक अगर आपको मुकुट मिल जाए तो आप एक मुकुट चढ़ा कर आइए कान्हा जी को, नहीं तो आप एक दूध का पैकेट और एक केसर की डिब्बी और एक पीले रंग का कपड़ा जरूर कान्हा जी को दीजिए। और ये जो है अद्भुत संयोग बन रहा है, प्रदोष का व्रत भी है और साथ में जो है छठी का भी ये अद्भुत संयोग जो है वो कल के दिन बन रहा है। तो ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन पर बहुत ही कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे, कान्हा जी की पूरी कृपा आपके ऊपर होगी, तो जरूर करिए ये उपाय। और अवश्य ही जिन्होंने कान्हा जी को विराजमान कर रखा है अपने घर में बाल रूप में, अवश्य ही वो क्या करें, केसर के दूध से उन्हें स्नान करवाएं और साथ साथ में उनको पीले वस्त्र बनाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, केसर पीला और वस्त्र भी पीले। दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। हैप्पी छठी, आप सबको भी हैप्पी छठी। राधे 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 राधे। आप गुरुदेव संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं, आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।